सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो कि मिला आपको कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का। यूनिट 3 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, जो कि मैं वीडियो जो है आपको विद इन 2 और 3 आवर्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ, दैट इज यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इसमें आपके पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज जस्टिस, जिसमें आपके पास सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। देन यू हैव द लिबर्टी, जैसे इट इज ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देन यू हैव इज द इक्वालिटी, कि एवरीवन जो है वो इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉस। देन यू हैव इज द फ्रेटर्निटी, जो कि आपका डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सो विद दिस, अगर आपको कोई वर्ड नहीं भी समझ आया है तो आपको एक चीज़ याद रखना है बस, कि आपको अगर इन सब के बारे में आपने पढ़ लिया ना, ए बी सी और डी के बारे में भी, तो पेपर में लिख कहते हैं ना, तो टॉप भी कर सकते हो। सो इट इज लाइक दैट, कि इसलिए मैं आपको जो यही चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। फर्स्ट आपके पास है जस्टिस, तो आपके पास फर्स्ट टॉपिक वॉज जस्टिस, जिसमें आपके पास मैंने किया था सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, यस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सो सबसे पहले हम जस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले एक चीज़ याद रखना, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे को दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इनके आर्टिकल्स भी अगर याद रख सको तो रख लेना। पता है, मैं नंबर हमेशा याद करती थी जब इन द एग्जाम्स, जब मेरे पेपर बिल्कुल शुरू होने वाला था ऐसे 14, 18, 19, 22, 23, 24 या फिर कुछ ऐसे 1418, 1922, 2324 और 2528 और 2930 और फिर 32, और फिर नंबर्स तो याद रहते कि इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन यू हैव द कल्चर एंड एजुकेशन राइट, देन यू हैव द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सब ऐसे जो कैसे भी करके जो भी आपका प्रोसेस होगा, उसका फंडामेंटल राइट्स को याद जरूर कर लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर विद फंडामेंटल राइट्स, एंड हेयर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज जस्टिस। सो वी विल फर्स्ट गो विद द जस्टिस नाउ। सो जस्टिस में आपको सबसे पहले हमारे पास सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हमारे पास इन टाइप के जस्टिस होते हैं। तो जस्टिस जो है ये कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, जो कि एनश्राइंड है इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एनकंपास करता है 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, जिसका है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों जस्टिस का मतलब क्या होता है। फर्स्ट इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो होता है रेफर करता है कि हमारे को जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो किसी भी सोशल लाइक किसी भी और लाइक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से हो, पॉलिटिकल स्टेटस से हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट उनके पास सोशल जस्टिस हर किसी के पास होना चाहिए। विद दिस वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। सो जो पॉलिटिकल जस्टिस है, दैट इज की पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो इंश्योर करते हैं कि जो हर कोई भी सिटीजन जो है उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, कि चाहे वो कोई अमीर हो चाहे वो फिर गरीब हो, सबके पास एक ही वोट होना चाहिए। एवरीवन हैज शुड हैव वन वोट ओनली, ये नहीं है कि अमीर है तो 5 वोट खरीद लिए, गरीब है तो 1 वोट भी नहीं दे पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करते हैं कि हर सिटीजन के पास जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो एंड वो पार्टिसिपेट कर पाए इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देन यू हैव द इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि हम एलिमिनेट कर सके इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एंड इंश्योर कर सके कि हर जो सिटीजन है वो एक्सेस कर सकता है बेसिक नेसेसिटीज को, जैसे कि फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एक चीज़ याद रखना, अभी सिर्फ रोटी का, रोटी, मकान और कपड़ा ही नहीं होता आपकी लाइक बेसिक नेसेसिटीज, अब आपका होता है रोटी, कपड़ा, मकान, उसके अलावा हेल्थ और उसके अलावा एजुकेशन। सो फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सो ये होती है 5 चीज़ें जो कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज में आती है। सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान लिख के मरताना इन योर पेपर। विद दिस वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो फर्स्ट वी हैव इज द लिबर्टी। सो लिबर्टी में हमारे पास कुछ आर्टिकल्स है, लाइक आर्टिकल 19 जो 1 है वो हमारे को बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वहीं हमारे पास जो आर्टिकल नंबर 19 है, मे बी नो, आर्टिकल नंबर 20 के बारे में पढ़ते हैं। सो आर्टिकल नंबर 20 जो वो बताते हैं कि क्रिमिनल लेजिस्लेशन जो है कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली, और उसका मतलब होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिश करना चाहिए विद द पनिशमेंट फॉर द क्राइम जो कि उन्होंने की है ऑन द डे ऑफ द ऑफेंस। इन द सेम आर्टिकल जो क्लॉज भी है वो ये भी बताते हैं कि दैट पर्सन कैन नॉट बी फोर्स टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब कि पर्सन को जो है कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि हाँ अपना सबूत दो कि तुमने जो है गलत नहीं किया, तो इसके लिए कभी भी पर्सन को जो फोर्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट यू हैव इज द आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ। विद दिस वी आर कमिंग टू आर्टिकल 22, दैट इज जो डील करता है आपकी सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। देन यू हैव द अदर आर्टिकल्स, आर्टिकल 23, 24 एंड आर्टिकल 25, 26, 27, 28, बट ये आप सारे पढ़ सकते हो, बट आपके पेपर में ये तो है नहीं कि आप इतने सारे आर्टिकल्स याद कर पाओगे। अब आप क्या याद कर पाओगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सो लिबर्टी में आपके पास मिल रही है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। सो लिबर्टी जो एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है,
जो कि गारंटी करते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम को और ऑटोनॉमी को। ये इंक्लूड करते हैं वेरियस फ्रीडम्स सच एज फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपने ओपिनियंस को और आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप एंड प्रोसिक्यूशन, समथिंग लाइक दैट। देन इज द फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड फेथ। सो फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड फेथ जो है वो इंश्योर करते हैं कि जो सिटीजन्स है उनके पास है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन्स ऑफ चॉइस, मतलब कि वो अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विद दिस वी हैव इज लास्ट थिंग, दैट इज फ्रीडम ऑफ वर्शिप, दैट इज जो अलाउ करती है लोगों को कि वो जो किसी को भी वर्शिप कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट। नेक्स्ट पे जो आ जाते हैं दैट इज इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉस। सो इक्वालिटी जो होता है वो एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि वैल्यू, मतलब फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू है जो कि इंश्योर करते हैं कि जो इक्वल ट्रीटमेंट है एंड अपॉर्चुनिटीज दी जाए हर सिटीजन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो गारंटी करते हैं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड वो प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और अ प्लेस ऑफ बर्थ। ये ऑल्सो मैंडेट करता है कि जो इक्वल एप्लीकेशन है ऑफ लॉस, और ये लाइक इसका मतलब ये होता है कि जो लॉ है वो अप्लाई होना चाहिए टू ऑल एंड इक्वली, कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस, कभी भी लोगों को जो है लॉ के अगे, मतलब लॉ से जो है बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए। लॉ जो है सबसे बड़ा है और बाकी सब लोग जो है उसके समान है, उसके नीचे है पर उसके समान है, मतलब सब जो लोग हैं वो इक्वल है। ये नहीं है कि कोई बड़ा है या कोई अमीर है कोई गरीब है। विद दिस वी आर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक दैट इज फ्रेटर्निटी, जिसमें हमारे पास है डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सो फ्रेटर्निटी में हमारे को मेनली बताया गया कि जो फ्रेटर्निटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है जो कि एम्फेसाइज करता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और ये प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड एंड द सेंस ऑफ कॉमन पर्पस अमंग सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस। फ्रेटर्निटी जो है वो इंश्योर करते हैं कि जो हर सिटीजन है, लाइक एवरी सिटीजन जो है वो ट्रीट हो सो जो वो ट्रीट हो विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, एंड दैट दे रिक्वायर फ्रीडम और लाइक उनके पास जो है एक राइट हो और फ्रीडम हो और प्रोटेक्टिव, जो उनके राइट्स और फ्रीडम है उनके प्रोटेक्टेड रहे, और उनकी ड्यूटी है एवरी सिटीजन की कि वो अपहोल्ड करे अपना स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी एंड वर्क करे टूवर्ड्स प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन द कंट्री। एंड विद दिस वी विल एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। सो मैंने आपको सारे आपके टॉपिक्स के बारे में बता दी जो कि आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, सो ये आपके चार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड विद दिस वी आर ऑन द कंक्लूजन नाउ, एंड आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड कमेंट से बताना मत भूलना कि आपके लिए क्या ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं। वीडियो का लाइक टारगेट इज ऑफ 100 लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।